गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडे वी आर गोइंग टू फिनिश आवर फिफ्थ लेसन एंड इन दिस लेसन टुडे वी शैल डिस्कस वी शैल टॉक अबाउट पीस एंड कोऑपरेशन बिटवीन द डिफरेंट नेशंस इन एशिया. सो प्रीवियसली वी हैव डन अ ग्रेट अमाउंट ऑफ दिस चैप्टर एंड दिस पार्ट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द प्रेजेंट लेसन. सो लेट अस डिस्कस. Do the state of South Asia cooperate with each other? क्या जो दक्षिण एशिया के देश हैं एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या ये देश हैं साउथ एशिया में इतना सारा जो झगड़ा है, फसाद हम देख रहे हैं, आपको लगता है कि एक दूसरे के साथ ये सहयोग करते हैं? After this, और do they only keep fighting with each other? या फिर वो एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते रहते हैं? In spite of the many conflicts, अनेक संघर्षों के बावजूद, the states of South Asia recognize the importance of cooperation and friendly relationship. जो South Asia के लोग हैं वो आपस में दोस्ती भरे रिश्ते और सहयोग की भावना के महत्व को वो समझते हैं. The South Asia Asian Association for the Regional Cooperation, जिसको हम SARC के नाम से जानते हैं, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कोऑपरेशन SAARC इज़ ए मेजर रीजनल इंस्टीट्यूट बाय द साउथ एशिया स्टेट्स टू इन्वॉल्व कोऑपरेशन थ्रू मल्टीनल मीन्स. इट बिगेन इन 1985. अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू प्रसिस्टिंग पोलिटिकल डिफरेंसेज SARC हैज़ नॉट हैड मच सक्सेस. SARC मेंबर्स साइंड द साउथ एशिया फ्री ट्रेड SAFTA एग्रीमेंट विद promised the formation of a free trade zone for the whole of Asia. क्या दक्षिण एशिया के जो लोग, क्या आपको लगता है कि जो आपसी दोस्ताना रिश्ते हैं वो किस तरीके स्थापित हुए? यहाँ पे जो शांति के प्रयास वो भी स्थापित हुए, शांति के प्रयास द्विपक्षीय हुए हैं और अक्षेत्रीय सत्र भी हुए हैं. दक्षेश जिसको साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी SARC या फिर दक्षिण एशियाई द्वारा देशों द्वारा जो बहुस्तरीय साधनों से आपस में सहयोग करने की दिशा में एक उठाया गया बड़ा कदम है. इसकी शुरुआत 1985 में हुई है. सन 1985 में दुर्भाग्य से विभेदों की, आपसी मतभेदों की मौजूदगी के कारण दक्षेश को ज़्यादा सफलता नहीं मिली है. दक्षेश के सदस्य देशों ने सन 2002 में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र SAFTA पर दस्तखत किए. इसमें उसने पूरे दक्षिण एशिया के लिए मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का जो वादा किया. ए न्यू चैप्टर ऑफ पीस एंड कोऑपरेशन माइट इन्वॉल्व द साउथ एशिया इफ ऑल द कंट्रीज इन द रीजन अलाउ फ्री ट्रेड अक्रॉस द बॉर्डर्स. यदि दक्षिण एशिया के सभी देश अपनी सीमा रेखा के आर पार मुक्त व्यापार पर सहमत हो जाएं, तो इस क्षेत्र में शांति और सहयोग के नए नए पक्ष की, नए अध्याय की शुरुआत वो हो सकती है. दिस इज़ द स्पिरिट बिहाइंड द आइडिया ऑफ SAFTA और SAFTA का पीछे यही एक मंतव्य रहा है. द एग्रीमेंट वॉज साइंड इन 2004 एंड केम इन टू इफेक्ट ऑन 1 जनवरी 2006. SAFTA aims at lowering trade tariffs by 20% by 2007. But some of the neighbors fear that SAFTA is a way for India to invade their markets, to the influence their societies and politics through commercial ventures and commercial presence in their countries. इस समझौते पर 2004 में हस्ताक्षर हुए थे, 1 जनवरी 2006 से प्रभावी हो गया था. इस समझौते का लक्ष्य ये है कि इन देशों के बीच आपसी व्यापार में लगने वाले सीमा शुल्क को कम कर दिया जाए. कुछ छोटे देश मानते हैं कि जो SAFTA की ओट लेकर भारत उनके बाजारों में सेध मारना चाहता है, ऐसा उनका मानना है. व्यावसायिक जितना भी उद्यम और व्यावसायिक मौजूदगी के जरिए उनके समाज और राजनीति पर असर डालना चाहता है, ये उनके मन में है. जैसे यहाँ पर नेपाल को आप मुख्यतः उदाहरण के रूप में ले सकते हैं. भारत सोचता है कि SAFTA से इस क्षेत्र में हर देश को फायदा होगा, लेकिन क्या इंडिया थिंक्स दैट देर आर रियल इकोनॉमिक बेनिफिट्स फॉर ऑल फ्रॉम द SAFTA एंड दैट ए रीज़न
दैट ट्रेड्स मोर फ्रीली विल बी एबल टू कोऑपरेट बेटर ऑन पॉलिटिकल इश्यूज. सम इन इंडिया थिंक दैट साफ्टा इज नॉट वर्थ द ट्रबल सिंस इंडिया ऑलरेडी हैज बायलेटरल एग्रीमेंट्स विद भूटान, नेपाल एंड श्रीलंका. तो वो भारत चाहता है कि मुक्त व्यापार बढ़ाने से राजनीतिक मामलों पर सहयोग ज़्यादा बेहतर होगा. भारत में कुछ लोगों का मानना है कि साफ्टा के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि भारत भूटान और नेपाल और श्रीलंका से पहले ही द्विपक्षीय व्यापार समझौता हो चुका है, कोई दिक्कत ही नहीं है उस चीज़ के लिए. ऑल दो इंडिया पाकिस्तान रिलेशन सीम टू बी ए स्टोरी ऑफ इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस, देयर हैव बीन ए सीरीज ऑफ इफेक्ट्स एफर्ट्स टू मैनेज टेंशंस एंड बिल्ड पीस. The two countries have agreed to undertake confidence building measures to reduce the risk of war. Social activists and prominent personalities have collaborated to create an atmosphere of friendship among the people both countries. Leaders have met at summits to understand each other better and to find solution for the existing problems. हालांकि भारत और पाकिस्तान के बारे में अगर बात की जाए तो ये संबंध कभी ख़त्म ना होने वाले झगड़ों और हिंसा की एक कहानी सी लगते हैं. फिर भी तनाव को कम करने के लिए, शांति बहाल करने के लिए इन देशों के बीच लगातार प्रयास होते रहे हैं और अभी भी हो रहे हैं. दोनों देश युद्ध के जोखिम कम करने के लिए विश्वास बहाली के उपाय करने पर जो सहमति लगा रहे हैं. सामाजिक कार्यकर्ता, बहुत सारे महत्वपूर्ण हस्तियां दोनों देशों के लोगों के बीच दोस्ती का माहौल बनाने के लिए एकजुट हैं. दोनों देशों के नेता एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने के लिए और दोनों देशों के बीच जो जितने भी समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए बहुत सारे वहाँ पे प्रयास करते रहते हैं. टू द मेजर प्रॉब्लम्स बिटवीन द टू नेबर्स. A number of bus routes have been opened up between the two countries. Trade between the two parts of Punjab has increased substantially in the last 5 years. Vias have been more easily given. तो दोनों देशों के बीच में जो व्यापार समझौते हुए, समस्याओं के समाधान के लिए समझौते हुए पिछले 5 वर्षों के दौरान दोनों देशों के बीच में पंजाब वाले हिस्से के बीच कई बस मार्ग है वो जो खुले हैं, आपस में वो जा रहे हैं, अब वीज़ा आसानी से मिल जाते हैं. तो बहुत सारी वो चीज़ें वहाँ पे सुकून देने वाली है, राहत देने वाली है दोनों देशों के संबंधों में. नो रीजन एग्जिट्स इन वैक्यूम, इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय आउटसाइड पावर्स एंड इवेंट्स नो मैटर हाउ मच इट may try to insulate itself from non-regional powers. China and the United States remain key players in South Asia politics. Sino-Indian relations have improved significantly in the last 10 years. But China's strategic partnership with Pakistan remains a major irritant. The demands of development and globalization have brought the two Asian giants closer and their economic ties have मल्टीप्लाइड रैपिडली सिंस 1991. कोई भी देश, कोई भी क्षेत्र हवा में नहीं होता. चाहे किसी देश या क्षेत्र को अपने गैर इलाकाई ताकतों से अलग करने की जितनी भी कोशिश करें उस पर बाहरी ताकतों और घटनाओं का असर पड़ता ही है. चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका दक्षिण एशिया की राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं. पिछले 10 वर्षों में भारत और चीन के संबंध बेहतर हुए हैं. चीन की रणनीतिक साझेदारी पाकिस्तान के साथ है और यह भारत चीन संबंधों की एक बड़ी कठिनाई है. विकास की जरूरत और वैश्वीकरण के कारण एशिया महादेश के ये दो बड़े देश ज़्यादा नज़दीक आए हैं. सन 1991 के बाद इनके आर्थिक संबंध ज़्यादा एक दूसरे से मजबूत हुए हैं. अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट इन साउथ एशिया हैज़ रैपिडली इंक्रीज्ड आफ्टर द कोल्ड वॉर. द यूएस हैज़ हैड गुड रिलेशंस विद बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान सिंस द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर एंड इंक्रीजिंगली वर्क्स एज ए मॉडरेटर इन इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज इन बोथ कंट्रीज हैव ग्रेटली इंक्रीज द डेप्थ ऑफ अमेरिकन पार्टिसिपेशन
इन द रीजन. द लार्ज साउथ एशियन डिस्प्रोज इन द यूएस एंड द ह्यूज साइज ऑफ द पॉपुलेशन एंड मार्केट्स ऑफ द रीजन ऑल्सो गिव अमेरिका एंड एडिड स्टेक इन द फ्यूचर ऑफ रीजनल सिक्योरिटी एंड पीस. शीत युद्ध के बाद दक्षिण एशिया में अमरीकी प्रभाव जो तेज़ी से वो बढ़ा है. अमरीका ने शीत युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों से अपने संबंध किए हैं, अपने संबंध बनाए. वह भारत और पाक के बीच लगातार जो मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है. दोनों देशों के आर्थिक सुधार हुए हैं, उदार नीति अपनाई गई है. इससे दक्षिण एशिया में अमरीकी भागीदारी ज़्यादा गहरी हुई है. अमरीका में दक्षिण एशियाई मूल के लोगों की संख्या अच्छी खासी बढ़ी है और फिर इस क्षेत्र में जनसंख्या और बाजार का आकार भी भारी भरकम है. इस कारण इस क्षेत्र के सुरक्षा और शांति के लिए भविष्य से अमेरिका के हित भी जुड़े हुए हैं. हैवर वेदर साउथ एशिया विल कंटिन्यू टू बी नॉन एज ए कन्फ्लिक्ट प्रोन जोन और विल इन्वॉल्व इनटू ए रीजनल ब्लॉक विद सम कॉमन कल्चर फीचर्स एंड ट्रेड इंटरेस्ट will depend more on the people and the government of the region than any other outside power. बहरहाल जो दक्षिण एशिया को संघर्षों की आशंका वाले क्षेत्र के रूप में पहचाना जाता रहेगा, यह एक ऐसे क्षेत्र के गुट के रूप में उभरेगा जिसमें सांस्कृतिक गुणधर्म और व्यापारिक हित एक हैं. यह बात किसी बाहरी शक्ति से ज़्यादा यहाँ के लोगों को और सरकारों पर निर्भर करती है. तो आज का लेसन बेटा यहीं पर समाप्त होते हैं. जैसे नेक्स्ट लेसन वी विल रीड विल डू द नेक्स्ट लेसन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वी विल स्टडी आवर सिक्स्थ लेसन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस विच विल बी ऑफ टोटली 6 मार्क्स. जो ये अभी प्रेजेंट लेसन हमने किया है ये 6 मार्क्स से हैं. जो हमने कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया है ये 6 मार्क्स का लेसन है और इससे जो नेक्स्ट लेसन भी है उसमें से भी 6 मार्क्स का पूछा जाएगा. तो कल को हम जो इसको करेंगे. और बच्चों जिसने भी जो क्वेश्चन आंसर आपने राइट किए हैं उनको पीडीएफ फॉर्म में मेरे को चेक करने के लिए भेजें, ये ज़रूरी है. ओके, दिस इज़ इनफ फॉर टुडे. थैंक यू.